नमस्कार। न्यूज़ क्लिक की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आपसे कि किस तरह से कोरोना ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के नक्शे में जबरदस्त उथल पुथल मचाई है। इन तमाम सवालों पर हमने बातचीत की डॉक्टर सुषमा नथानी से। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है सुषमा जी। सुषमा जी, हम न्यूज़ क्लिक के दर्शकों को बता दें कि मूलतः भारत की रहने वाली सुषमा जी 98 से एक भारत से बहुत दूर एक विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में वहाँ रिसर्च प्रोफेसर हैं और वहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च कर रही हैं। और जब से कोरोना संकट विश्व में छाया हुआ है तब से जो बहुत अहम योगदान सुषमा जी का है वह यह है कि भारतीय जनता के लिए हिंदी में विज्ञान की जो जटिल चीज़ें हैं उनको बहुत सरल शब्दों में पब्लिक स्पेस में रख रही हैं, शेयर कर रही हैं, जिससे हिंदी का जो पाठक, हिंदी का जो जगत है वो उन तमाम जटिलताओं को बहुत सहजता से बिना खौफ खाए समझ पाता है। और ये आपका बहुत ज़बरदस्त योगदान है सुषमा जी, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस समय जो पूरी दुनिया में कोरोना का संकट, कोरोना की जो गिरफ्त है, इसमें जो विज्ञान की जो भूमिका है वो कैसे आप देख रही हैं? क्योंकि तमाम तरह के टोटके, तमाम तरह के अंधविश्वास, तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें पॉलिटिकल क्लास से भी जनता के ऊपर थोपी जा रही हैं। थैंक यू भाषा मुझे मुझसे बातचीत करने के लिए। और मुझे लगता है कि कोरोना की जो महामारी है, ह्यूमैनिटी ने इससे बड़े बड़े संकट देखे हैं। और जब पहले, बहुत पहले कई सीरीज में प्लेग की बीमारी हुई, या 100 साल पहले जैसे स्पेनिश फ्लू की बीमारी थी, या भारत और अफ्रीका में मलेरिया की बीमारी थी, तो इतिहास में पहले लोगों को पता नहीं था कि ये किस चीज़ से हो रहा है जी। और उनके पास टूल्स भी नहीं थे उसको समझने के लिए, और उतना ज्ञान भी नहीं था। तो मैं ये कहूँगी कि ये ऐसा नहीं है कि कोरोना का संकट इससे पहले मानव जाति ने नहीं देखा है, बहुत देखा है। और मलेरिया की बात की जाए तो जब एक्चुअली ब्रिटिशर्स भारत में आए तो बड़ी संख्या में उनको मलेरिया हुआ, तो उस वक्त उन्होंने जंगल से एक कई तरह के पेड़ पौधे से लेकर मिट्टी से लेकर कई तरह की चीज़ों पर एनालिसिस किया कि आखिर इसकी क्या वजह है। बहुत बाद में जाके पता चला कि एक्चुअली मच्छर के काटने से और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा प्रिडिक्शन था कि इस तरह की कोई महामारी आ सकती है, और इस तरह की महामारी छोटे स्केल पे 2003 में भी आई, 2009 में, फिर 2011 में अलग अलग वायरसेस से, छोटे मोटे मर्स का या दूसरे तरह के जो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरसेस थे, तो उनकी इस तरह की स्ट्रेन बीच बीच में आए लेकिन उनको कंटेन कर लिया गया। और ऑलरेडी जो साइंटिस्ट थे उनके रडार पे ये बात थी कि इस तरह का कोई वायरल स्ट्रेन आएगा और कोई महामारी हो सकती है, तो उसकी इंटेंसिटी नहीं पता थी कि कितनी होगी। लेकिन अलग अलग तरह से जो वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, तो वो लगातार इस बात को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। 2015 में एक बहुत बड़ा पर्चा इस तरह का छपा था, तो ये ऑलरेडी रडार पे था। और क्योंकि ये ऑलरेडी रडार पे था और बहुत ढेर सारा काम कोरोना वायरसेस पे पहले भी हो चुका था और इससे मिलते जुलते वायरसेस पे, तो जैसे ही ये हुआ तो इसको पहचान लिया गया। तो 17 अक्टूबर शायद सबसे पहले नोन केस चाइना में हुआ, और चाइना के बाहर जनवरी में ये घटनाएं हुई। लेकिन आप देखिए, इतनी जल्दी जनवरी में पहले हफ्ते में कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस हो गया, और अभी मार्च आते आते आप उसकी किट्स सब जगह अवेलेबल हो गई, बहुत हम जांच कर सके, इसमें भी किट्स आ गई कि उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, और वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए मार्च में। तो शायद इतनी अच्छी स्थिति में ह्यूमैनिटी कभी भी किसी महामारी से निपटने की स्थिति में नहीं थी। अब वो अलग बात है कि उसके साथ साथ और बीसियों चीज़ें चलती रहती हैं, तो अंधविश्वास भी चलते रहते हैं, टोटके भी चलते रहते हैं, इलेक्शंस हैं तो कुछ चुनाव में कुछ स्कोर करने के लिए भी चीज़ें चलती रहती हैं, और जिस भी तरह का की राजनीति है
और उनका जो बेस है उसको भी थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए कई तरह की गुलजुल चीजें साथ में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप बड़े दृष्टिकोण से देखें और मेजॉरिटी का पूरी दुनिया के जो जितने समझदार लोग हैं या जितने भी लोग सरकारी मशीनरीज में हैं या इस बीमारी से डील करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है वो तो साइंस को ही, साइंस बेस्ड अप्रोच को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बहुत अहम है, जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, कि इसमें जो सरकारी अस्पतालों का जो तंत्र है वो जहाँ मजबूत है, मतलब एक तरह से जो प्राइवेट सेक्टर वाले हॉस्पिटल्स हैं जिन पे निर्भरता थी, वो खड़े नहीं हो पा रहे इस संकट से निपटने के लिए, और एक तरह से वापस जो सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम है जहाँ पे वो मजबूत हैं जिन देशों में, वहाँ पर इससे लड़ाई थोड़ी ठीक चल पा रही है। कैसे आप देखती हैं इस चीज़ को? मुझे लगता है कि इसमें प्राइवेट और सरकारी से ज्यादा यह है कि आपके जो देश में नीति निर्धारक हैं वो क्या नजरिया रखते हैं और उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है। तो जैसे आप यहाँ अमेरिका की बात ली जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छे अस्पताल हैं और यहाँ पर सारे ही प्राइवेट अस्पताल हैं। सरकारी अस्पताल या कुछ काउंटी के छोटे मोटे चेकअप सेंटर हैं वो बहुत ही कम है। और यहाँ की जो डिस्पैरिटी है वो ये है कि हर कोई उस अच्छी हेल्थ केयर को और अच्छी सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास नहीं है। तो यहाँ का जो इलेक्शन है इस साल का, उसमें एक बहुत बड़ा तत्व जो है बर्नी सैंडर्स ने, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उनका एक प्राइम उसमें एजेंडा था इलेक्शन का, और इसके पहले ओबामा केयर, इसी तरह का एफर्ट था कि अधिक से अधिक लोगों को जो सुविधाएं हैं उन तक उनकी रीच हो जाए, उनको मिल जाए। तो एक चीज तो है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा है कि कितने लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो एक विकसित जो देश है उसमें ये समस्या है। स्पेन में जैसे कोविड का संकट हुआ तो वहां की सरकार ने तमाम जितने प्राइवेट उनके अस्पताल हैं तो उनको इस तरह का निर्देश दिया कि वो भी इस बीमारी का भार उठाएं और बराबर शरीक हों। कई देशों में इस तरह का कोई बाइनरी नहीं है कि प्राइवेट वर्सेस सरकारी। तो ये बेसिकली जो लोग पावर में हैं और जिनके ऊपर चार्ज है, तो ये उनकी मंशा है कि वो कितना कंट्रोल करना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। क्योंकि होता ये है कि आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते हैं या कोई प्राइवेट अस्पताल बनाते हैं, वो सारी जमीनें, वो सारे रिसोर्सेज, उनको बहुत कुछ जो है उसमें बेनिफिट होता है, बिकॉज वो पब्लिक गुड के लिए है ना। तो इस तरह का जो समय है उसमें फिर उनको जो बेनिफिट दिया गया है, जो सब्सिडी दी गई है, तो ये ऐसे समय है कि वो वापस जनता के साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि सरकारी वर्सेस प्राइवेट से ज्यादा एक पॉलिटिकल आउटलुक का और एक पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ज्यादा है। जी, जैसे अमेरिका में भी जो मरने वालों की संख्या है, अगर उसको जो दिखाई दे रहा है अभी जो इनिशियल चीज़ें आई हैं, उनमें वो लोग ज़्यादा हैं जो पीपल ऑफ कलर जिन्हें आप कहते हैं, या जो बाहर से अफ्रीकन बैकग्राउंड के जो लोग आए हैं, उनकी मौतें ज़्यादा हैं, उनके पीड़ित होना ज़्यादा है। और उसकी बड़ी वजह ये बता रहे हैं कि वे उस जिस आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं उससे वो बाहर थे। तो क्या ये एक पॉलिसी शिफ्ट की तरफ भी सोचने पे मजबूर करेगा लोगों को, जो पीपल इन द पावर हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, या डिस्कोर्स में कम से कम, क्योंकि डिस्कोर्स पिछले कुछ समय में एक दो दशक में बिल्कुल दूसरे ढंग का था। मेरे ख्याल से दो डिस्कोर्स चल रहे हैं। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं तो पिछले एक दशक से ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ऑक्यूपाई मूवमेंट चल रहा है, और एक बड़ी संख्या में, हालांकि वो माइनॉरिटी है, ये डिबेट है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया है, और 1-2% लोग हैं सोसाइटी में जिनके पास सारा का सारा संसाधन, पावर, पैसा, सब कुछ है, और अधिकतर जो 98-99% हैं उनके हिस्से में बहुत कुछ है नहीं। तो अगर आप पिछले 50 साल या 25 साल पहले वेल्थ का सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन था और आज जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप एक बहुत ही मेजर शिफ्ट, आपने 20 जगह उस तरह के ग्राफ देखे होंगे, वो आप देख सकते हैं। तो लोगों में ये चेतना भी एक तरह से साथ साथ चल रही है, वो कोविड से पहले से चल रही है। तो एक मायने में देखा जाए तो कोविड आपको वो सारी चीजें दिखा रही है जहाँ
जो अभी तक हमें जरूरत है, जिसको बदलने की जरूरत है, और कुछ चीजें जिनको सीधे सीधे ट्रैश कर देने की जरूरत, जिनको अभी तक हम देखने सुनने को तैयार नहीं थे या छुपा रहे थे उनके एग्जिस्टेंस को भी, मतलब इन्वायरमेंट को लेकर भी। अभी आप देखिए सब जगह चिड़िया है, पेड़ है, पौधे हैं, सब में नई जान आ गई है, धरती का कंपन कम हो गया है। अभी तो आज रिपोर्ट थी कि कार्बन इमिशन में भी 10% की कटौती हो गई है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी चीजें भी इस बहाने हम लोगों को पता चली कि मनुष्य का प्रकृति को नष्ट करने में भी कितना योगदान है जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इतने समय से वहां पर हैं, कि भारतीय जो है अमेरिका में अभी, उन पर किस तरह से कोविड की मार है, पहला सवाल तो ये। और दूसरा, जो अभी हमने एक बहुत हैरान करने वाली चीज देखी थी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ब्लीच पिया जा सकता है, मतलब उन्होंने कहा कि ये सारी जो, मतलब वो आप बहुत बेहतर ढंग से बताएंगी क्योंकि आपने ज्यादा ध्यान से देखा और उसके बाद किस तरह से लोग ब्लीच पीते हुए की घटना हमारे सामने आई। पहले तो भारतीय लोगों की क्या स्थिति है, तो भारत का के कई तरह के लोग यहाँ हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी टेक्निकल नौकरियों में हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है। भारत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा काम करते हैं, अखबार बेचते हैं या कोई ठेली वगैरह न्यूयॉर्क सिटी में लगाते हैं या दूसरी जगहों पर लगाते हैं, सफाई वगैरह के कुछ काम करते हैं। तो नेचुरली वो लोग हाशिए पे जैसे दूसरे लोग हैं, वैसे वो लोग भी हैं, तो उनकी तकलीफ ज्यादा है। तो उनकी तकलीफ, लेकिन दूसरे जो उसी क्लास के जो दूसरे वर्कर हैं, उनसे बहुत अलग नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं सब भारतीय एक जैसे नहीं है, भारतीय भी बहुत ढेर सारे क्लास में यहाँ बटे हुए हैं। और दूसरी चीज, आपको ये लगता है कि, मुझे लगता है कि एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, एक मेजोरिटी को प्लीज करने वाली एक जो पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से को ठोकर मारने के लिए पूरी दुनिया में आ गई है। तो ट्रंप हैं, चाहे दूसरे देश के दूसरे नेता हैं कई दूसरे देशों में, तो वो सब उसी पॉपुलिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका एक खास तरह का बेस है। तो वो जो बेस है उसकी अपनी अलग तरह की समझ है। तो पूरी दुनिया में ग्लोबली आप देख सकते हैं कि राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सी चीजों को पूरी दुनिया में शेयर करते हैं। लेकिन बिल्कुल जो शीर्ष पर बैठे लोगों का इतना अवैज्ञानिक, ऐसे क्राइसिस में भी इतने अवैज्ञानिक सॉल्यूशंस देना या रास्ते बताना, मतलब मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये हम भारत में भी देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी मंत्री बोलते हैं कि आप 10 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाइए और उसके बाद कोविड मर जाएगा, और लोग ऐसा करने लगते हैं, या गौमूत्र पार्टियां हमने देखी यहाँ पर होते हुए। तो मुझे लगता है कि उसके दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि उन लोगों को जिन जो भी शीर्ष पे बैठे हैं, तो उनको उनकी वैज्ञानिक चेतना या उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए वहां पर नहीं पहुंचाया गया है। उनके चुनाव में विज्ञान की या उनकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग की कोई भूमिका नहीं थी। वो सब पॉपुलर लीडर हैं और जो पॉपुलर सेंटीमेंट को उन्होंने किसी भी वजह से कैच किया, तो उसकी बदौलत वो लोग चुनकर वहां पहुंचे हैं जी, है ना। तो मुझे लगता है कि किसी ने उनका साइंस का टेस्ट नहीं लिया है वहां जाने नहीं, साइंस का टेस्ट तो कभी नहीं लेते रहे। हाँ। लेकिन समाज में कम से कम कुछ नॉर्म्स रहे, पॉलिटिकली कुछ इथिक्स की बात रही, कि मान लीजिए कुछ चीजें हैं, कम से कम ये जो संकट है या इससे पहले की जो संकट रहे, कि हमें क्या स्टैंड लेना है एज अ लीडर देश, क्योंकि इन्हीं के हाथों में नीतियां हैं, नीतियां हमारे और आपके हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है पिछले 25 सालों का, उसने दुनिया को बहुत तरह से बदला है, और बदला इस लिहाज से भी है कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग जगह हो गया है, और उसमें से कुछ लोगों का प्रिविलेज जो है वो खिसका भी है, और नए तरह के उसमें दावेदार आए हैं। तो समाज की पुरानी व्यवस्था को उसने बहुत ठोकर एक तरह से पहुंचाई है, और एक तरह से देखा जाए कि उससे जो डिस्कम्फर्ट पैदा हुआ, उस डिस्कम्फर्ट ने जो लोग हाशिए पे पहुंच गए थे, जिनके प्रिविलेजेस कुछ कम हो गए थे, या जो उसका जो बेनिफिट था, जिनकी उसमें हिस्सेदारी नहीं हो पाई, और कई ऐसे जगहों पर जहां पर कुछ ऐसे लोगों को बढ़त मिल गई जो अपने पुराने सामंती मिजाज को या किसी भी तरह के
पुराने जो ख्यालात हैं उसके साथ उनके पास संपन्नता चली आई, हम ऐसा भी देखते हैं ना। सिर्फ ये नहीं होता कि जो लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, एक ऐसा भी क्लास है जिसको एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन से बहुत फायदा हुआ और उसके पास पावर भी आई, और फिर वो अपने किसी पुराने फ्यूडल कनेक्शन और पुराने रेशियल प्रिविलेज को उसने उस नए तरीके से उसको उठाने की कोशिश करी। जी, ये दोनों तरह की चीजें इसमें हुई। बतौर वैज्ञानिक आप ये जो कोरोना से संबंधित जो साजिश कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इसे आप कैसे देखती हैं, इसमें कुछ दम आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसमें ऐसा है नहीं। इस पहली बात तो एक कॉन्स्पिरेसी है कि इसको लैब में बनाया गया है। तो अब अभी मैं एक मीटिंग में भी थी जिसमें इंटरनेशनल बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट जो कोविड रिसर्च पर काम कर रहे हैं, तो करीब 1000 लोगों की मीटिंग थी। तो लगभग सभी वैज्ञानिकों की ये राय है कि इस वायरस को लैब में नहीं बनाया गया है, क्योंकि लैब में आप क्लोन करते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर की सीक्वेंस है, तमाम चीज़ें हैं, तो इसके जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर इस तरह की कोई बात नहीं है कि इसको लैब में बनाया गया है जी, ये बहुत या किसी ने इसको बायो वेपन की तरह बनाया है, तो इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इस पे तकरीबन सारे लोग, और ये आप बता रही हैं कि वैज्ञानिकों की मीटिंग थी, तो इसमें क्या देश दुनिया भर के वैज्ञानिक थे? दुनिया भर के लोग हैं और वो सीक्वेंस भी पब्लिक है, और सिर्फ चाइना में ही नहीं, अभी तो शायद कई 100 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर इस वायरस को सीक्वेंस कर लिया गया है। तो इस तरह का कोई तथ्य नहीं है कि इसको किसी लैब में किसी बायो वेपन की तरह बनाया गया। तो इसके इर्द गिर्द जो एक नफरत की कैंपेन चल रहा है, तो उसमें कोई दम आपको नहीं दिखाई देता कि वो टिक पाएगा? उसमें कोई दम नहीं है, उसमें लोगों के अपने अपने एजेंडा हो सकते हैं और वो उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं वही जाने, लेकिन साइंटिस्टों की इस पर एक मुश्त राय है, और इस पे नेचर में भी पेपर पब्लिश हुआ और जगह भी पेपर पब्लिश हुआ कि ये एक तरह से अपने आप स्वतः वायरस बना है, और कई वायरस बनते हैं। तो जो इवोल्यूशन का पूरा सिद्धांत है और जिस तरह से इस पूरी दुनिया में तरह तरह के जीव जंतु बने हैं, वो इसीलिए बने हैं क्योंकि लगातार बदलाव होता रहता है। जी, और इससे निपटने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, आपको लगता है कि वो तकरीबन कितना समय लगेगा जब हम इस संकट से जूझने में या इसके खिलाफ एक कोई डोज बनाने में, वैक्सीन बनाने में सफल हो पाएंगे? वैक्सीन तो एक्चुअली बन गई है और उनके ट्रायल भी चल रहे हैं। दुनिया भर की शायद 100 या 120 ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, और अलग अलग तरह की वैक्सीन बना रही हैं। तो मुझे लगता है शायद 3-4 महीने में कुछ ऐसे लोगों को, छोटे बच्चों को, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इस बूढ़े लोग हैं, शायद उनको यहाँ, मुझे लगता है अमेरिका में वैक्सीन मिल जाएगी इस फॉल में, 3-4 महीने के भीतर। 3-4 महीने के भीतर अब वो काम करेगी, कितनी कारगर होगी हमको नहीं पता। सो इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी वैक्सीन बन भी जाती है तो हमेशा वो एक जैसे तरह से काम नहीं करती है। जैसे आप देखते हैं टिटनेस की वैक्सीन है, आपको हर 5 या 10 साल में लगानी पड़ती है। पोलियो की है, आपने एक बार लगा लिया। हिपेटाइटिस की आपने एक बार वैक्सीन और 2 बार बूस्टर लगा लिया, तो आपको जीवन भर की सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन फिर फ्लू का है कि आपको हर साल लगाना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर इसकी वैक्सीन बन भी जाएगी तो वो हमको कितने समय के लिए इम्यूनिटी देगी। तो ये अभी सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का भी हमको उत्तर नहीं मिला है। तो जो ट्रायल्स चल रहे हैं शायद वो इसी चीज को बताएंगे कि ये वैक्सीन कारगर है कि नहीं है, और अगर है तो फिर कितने समय के लिए। अच्छा, तो ये तो एक अच्छी बात है कि 3-4 महीने में कम से कम कुछ हिस्सों में पता चल पाएगा कि कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है या बचा जा सकता है। आप भारत की तैयारियां, भारत में जो चल रहा है उसे आप कैसे देखती हैं कोरोना के संदर्भ में, लॉकडाउन के संदर्भ में? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत डिबेट है और एक बड़ा हिस्सा जो मजदूरों का है, मेहनतकश का है, वो बहुत परेशान है और भुखमरी के हालात हैं। मुझे लगता है कि भारत के पास बिल्कुल अलग तरह के चैलेंज हैं। पहला बड़ा चैलेंज है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। दूसरा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत लचर है। तीसरी चीज है कि हमारे पास बहुत कम संसाधन है।
तो भारत की सरकार के सामने इस वक्त बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और उसको इन सारी चीजों के बीच में बैलेंस करते हुए कैसे कोरोना से भी कैसे निपटा जाए, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। भारत के फेवर में जो चीज है, एक तो है यहाँ का मौसम। आप यूरोप और अमेरिका की तरह 8 या 9 महीने सर्दी के मौसम में नहीं है, तो ये मौसम आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि भारत की जो जनसंख्या है वो इटली या स्पेन या यूरोप की तरह बुढ़ाती हुई जनसंख्या नहीं है। आपके पास 50-60% से अधिक नौजवान लोग हैं जी, है ना, तो उनके अंदर इस बीमारी से एक स्वतः ज्यादा ताकत होगी निपटने की। मतलब ये एक प्राइमरी अंदाज है, ये फाइनल बात नहीं है। तो मुझे लगता है भारत के पास एक तो ये दो अपॉर्चुनिटीज हैं जो भारत के फेवर में है। तीसरी चीज ये है कि अब इतने ढेर सारे टेस्ट आ गए हैं, पिछले एक महीने में बहुत ढेर सारे टेस्ट दुनिया में हुए हैं, और सब लोगों को ये बीमारी एक तरह से नहीं हो रही है। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हैं लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, उनमें कोई बीमारी नहीं है। और जैसे ये भारत के बारे में भी आया कि 80% जो लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं। तो अगर ये सच बात है और अगर ऐसा ही रेशियो बना रहता है तो तब शायद आप 20% लोगों को किसी तरह से संभाल लेंगे, है ना। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि 80% लोग बीमार नहीं होंगे। गर्मी से क्या संकट थोड़ा कम होता है? और दूसरा, जो दो स्ट्रेन की बात हो रही है कि एक एल स्ट्रेन है और एक दूसरा स्ट्रेन है, वो उससे भी क्या फर्क पड़ता है मरने वालों की संख्या में, पीड़ित होने वालों की संख्या में, या उबर कर बाहर आने वालों की संख्या में? दो म्यूटेशन है, एक एन और एस जो है। फिलहाल इस तरह की मेरी नजर में कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इन दो स्ट्रेन में से कोई ज्यादा घातक है और कोई कम घातक है, ऐसा नहीं है। और जो मैं गर्मी की जो बात कह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वायरस जो है, बेसिकली तो वो ह्यूमन बॉडी में ही सर्वाइव करता है और मल्टीप्लाई करता है जी। तो ऐसा नहीं है कि वो गर्मी में मर जाएगा। लेकिन मैं इस वजह से ये कह रही हूँ क्योंकि बोलते समय, छींकते समय जो वायरस की जो ड्रॉपलेट्स हैं, तो वो एक बहुत पतली महीन झिल्ली की तरह हवा में जाती हैं, और जब तक कि उनमें से जो नमी है वो उड़ नहीं जाती, तब तक जो वायरस है वो नष्ट नहीं होता। तो जब बहुत हीट होगी तो एक तो ये है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, वो जो एक पतली सी झिल्ली की तरह वो ड्रॉपलेट जो है, और वो कम डिस्टेंस पे ही शायद ड्राई हो जाएगी इमीडिएटली, तो वो एक अच्छी बात है। और दूसरा, जैसा कि हम समझते हैं कि फ्लू वगैरह भी लोग विंटर में बहुत ज्यादा घर के अंदर रहते हैं, तो ताजी हवा की उनकी कमी होती है, तो शायद गर्मियों में लोग थोड़ा बाहर रहेंगे, थोड़ी गर्मी रहती है, बहुत दुबकेंगे नहीं, लोग थोड़ा सा ज्यादा नहा लेते हैं गर्मियों में, तो उस तरह से मौसम उनको फेवर करता है ज्यादा क्लीन रहने में जी। और तो ये सब चीजें हैं, शायद उसका कुछ फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि 100% गर्मी का फायदा मिलेगा। भारत की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इतने छोटे छोटे घर हैं, एक एक घर में 8-8 लोग हैं, एक एक कमरे के घर हैं, उनके लिए घर में रहना तकरीबन असंभव है। जो पूरा स्लम है, जो गरीब बस्तियां हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, इनकी जो स्थिति है ये तो बहुत ज़्यादा बदतर और वल्नरेबल हुई, लेकिन इस बारे में कोई डिस्कोर्स होता मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि सिर्फ ये तो लोगों की स्थितियां हैं, तो आपको अब इस बीमारी के बहाने ही चलो ये बात निकल के आ रही है कि हमारे पास इस तरह की भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और नागरिक हैं, और उन नागरिकों के क्या अधिकार हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो कि उनके लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि कम से कम एक मानवीय गरिमा के साथ वो रह सकें, सिर्फ कोविड की महामारी में नहीं लेकिन दूसरी तरह से भी। अब आप एक ऐसा देश बनने जा रहे हो जो एक बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, और उसके पास ऐसा है कि संसाधन बहुत ज्यादा है, भारत बहुत बड़ा देश है, उनको मैनेज किस तरह से किया जा सके, लोगों के हक में कैसे किया जा सके, तो वो एक बड़ी चुनौती है। तो शायद इस महामारी के बहाने फिर से पलट के देखने की और एक मिनिमम मानवीय गरिमा की जो गारंटी है वो की जा सकती है। दूसरी चीज, सबने देखा कि पिछले 25 साल में जो मॉडल था कि प्राइवेटाइजेशन का मॉडल और जो भी होना है,
आगे होना है जी। मॉडल के लिए कोविड ने एक तरह से उन सब चीजों के पर खच्चे उड़ा के रख दिए कि आप कितने देखिए प्राइवेट स्कूल बनाएंगे, आप अपनी जनसंख्या के बड़े भाग को शिक्षित नहीं कर सकते। आप कितने भी प्राइवेट एक से एक अच्छे अस्पताल बनाइए, लेकिन ऐसी महामारी आएगी तो आप जाते हैं सरकारी अस्पताल के लिए। तो एक बहुत बड़ी सबक ये हो सकता है कि इस तरह की चीजें अब आएंगी ही आएंगी। हर 5-10 साल में आप देखिए कोविड जैसी कोई ना कोई महामारी आएगी, ये कोई आखिरी महामारी नहीं है। और ये एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं उनके प्रेडिक्शंस हैं कि आएगी, और हम देख रहे हैं 2003, 2009, 2012, 2020, 2019, तो ये चीज़ें आएंगी। तो आप लंबे समय के लिए, एक लंबी पारी के लिए, एक सस्टेनेबल तरीके से कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं, और प्री मनमोहन इकोनॉमिक्स से कुछ सबक कैसे ले सकते हैं जी। तो वो सोच, वो भी शायद एक सोचने की ठहरने की जरूरत है। आप इसी मॉडल को कंटिन्यू करके बहुत सस्टेन नहीं कर सकते। जो कोरोना का संकट है, इसने क्या दुनिया को विज्ञान की तरफ वापस भेजा है? ऐसा विज्ञान जो जनता जन उन्मुखी हो। पहली बात तो यह है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर अब तक, अगर आप समझिए कि दुनिया एक कारखाना है, तो उसकी जो सबसे बड़ी मशीन है वो साइंस है। तो ये कहना कि दुनिया साइंस से विमुख हो गई या साइंस कहीं विस्थापित होके चला गया, तो ऐसा हुआ नहीं। जो सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है वो प्लेयर तो साइंस ही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये दूसरे तरह से पूछना चाहते हैं कि क्या लोग अपने फेथ को या अपने रिलीजियस बिलीफ को या विचारधारा को छोड़ देंगे और साइंस की तरफ आ जाएंगे, ये एक दूसरा सवाल हुआ ना। तो मुझे लगता है कि ऐसा आसानी से नहीं होगा। उसका एक कारण ये है कि कोरोना से ज़्यादा बड़ी विपत्तियां मानव जाति ने देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी हैं, बड़े रक्तपात देखे हैं, बहुत बीमारियां भी देखी हैं, लेकिन फेथ चेंज नहीं हुआ। मुझे मेरा सूत्र है, मैं दो चीज़ें कहना चाह रही थी, उसकी जो आस्था के सूत्र हैं वो चेंज नहीं हुए। जी। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि जो मनुष्य है वो फेथ पर या धर्म के साथ जैसे जुड़ता है, तो वो उसकी एक तरह की पारिवारिक स्मृति का पार्ट है, उसकी सामाजिक स्मृति का पार्ट है, और वहाँ उसकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ उसको बहुत सर्टिनिटी है। जो सर्टिनिटी का फैक्टर है वो शायद उसके पास एक अकेली डोर है उसके जीवन की तमाम अनसर्टिनिटीज को देखते हुए। और जो साइंस है, साइंस जो है उसमें कोई सर्टिनिटी नहीं है। साइंस में सत्य जैसा कोई सत्य नहीं होता जो अखंड, तो यहाँ सिर्फ ज्ञान होता है। आज आपके पास ये फैक्ट्स हैं, आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं, कल को फैक्ट्स बदल जाएंगे, आप उसकी बिल्कुल विपरीत बात पर भरोसा कर सकते हैं। तो साइंस इंसान को सर्टिनिटी नहीं देता है। और दूसरी बात यह है कि साइंस आदमी को तर्क के सहारे आगे बढ़ने की राह दिखाता है, लेकिन जो तर्क हैं वो बड़े निर्मम किस्म के हैं। एक तरह से क्या कहा जाए कि तर्क इतने निर्मम हैं कि वो आपको किसी तरह का भरोसा नहीं दिलाते, किसी तरह की कोई सांत्वना नहीं दिलाते। और आपका होना कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, इसके बारे में भी आपको आश्वस्त नहीं करते कि आपका होना कोई बड़ी चीज है। तो साइंस के हिसाब से आपका होना इस दुनिया में एक एक्सीडेंटल साइड इफेक्ट है इवोल्यूशन का, है ना। तो आप इतनी अनसर्टेनिटी के साथ अपने जीवन में साइंस के तर्क के साथ अगर बंधे रह सकते हैं, तो आपको लगातार एक बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, और अपने को लगातार शिक्षित करते रहने की जरूरत है। और इस तरह का मौका जनसंख्या, पूरी मानव जनसंख्या में बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और ये प्रिविलेज भी बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने धर्म को छोड़ दिया या आपको लगा कि भाई ये तो जैसे हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमको बीमारी से नहीं बचा रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप फट से साइंस में आ जाएंगे। साइंस का जो दिमाग है उसको एक्सेस करने के लिए, या उसकी जो पद्धति है उसको एक्सेस करने के लिए, आपको एक खास तरह का प्रिविलेज, एक खास तरह की शिक्षा, और अपने साथ लगातार जिरह करने की जो आदत है,
उसको बहुत सचेत तरीके से सीखना पड़ता है जी। अधिक से अधिक यही होता है कि आप राम बाबा को छोड़कर श्याम बाबा की शरण आसान है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि अभी जितने बाबा हैं या जितने भी तरीके, मतलब ब्लीच बाबा से लेकर गोबर बाबा तक के जो सफर है सात समंदर पार तक के बीच का, उसमें कम से कम ये तो आपको लगता है क्या कि अंतम फाइनली उनको जाना पड़ रहा है टेस्ट के लिए, दवा का इंतजार करना पड़ रहा है, वैज्ञानिकों की तरफ जाना पड़ रहा है, डॉक्टरों की और ख़ास तौर से सरकारी डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा अहमियत, नर्सों की, हेल्थ वर्कर्स की, वही लोग दिखाई दे रहे हैं इस समय लड़ते हुए। इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या आपको लगता है कि जो एक डिस्टेंस लग रहा था कि बाकी और अंधविश्वास और सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ दे देंगी, उससे कुछ जागृति होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि साइंस जो है खास तौर पर भारत जैसे देश में या दूसरे देशों में साइंस की बहुत बड़ी डिस्कवरीज नहीं हुई है। हमारे यहाँ जो भी साइंस है वो बोरोड साइंस है वेस्ट से। तो होता क्या है कि जिस समाज में नई चीजें बनती हैं वो समाज अपनी तरह से उस पूरी प्रक्रिया से भी अवगत होता है और उस प्रक्रिया के बहुत से एलिमेंट्स को सोख लेता है और उसको पता लगता है कि चीजें कैसे बन गई, है ना। लेकिन हमारा जो समाज है जो कि बहुत ढेर सारे आविष्कारों की भूमि नहीं है और हमको दिखता है कि अरे घड़ी है ये तो बिल्कुल टाइम दिखा देती है, फिर इसकी क्या कीमत है, है ना। तो हम लोग साइंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि कोई मैजिक करेंगे और हम उसको खरीद लेंगे जी। यही बात है। तो लेकिन वो जो पूरी जद्दोजहद है साइंस के एलिमेंट्स को बनाने की, उनको डेवलप करने की, उनको टेस्ट करने की, उनके फेल होने के एक्सपीरियंस को टटोलने की, फिर उससे सीख के कुछ नया खड़ा करने की, तो वो हमारे बहुत ढेर सारे समाजों में लंबे समय से गायब है। आप क्या कहना चाहती हैं लोगों को, कैसे बाहर आए इससे, कैसे डील करें इस संकट से? पहली बात तो ये है कि बहुत दहशत में ना रहें और दूसरी बात ये है कि आप अपनी मानवता को ना छोड़ें। ये बीमारी है और अभी बहुत आसानी से जाएगी नहीं, इसके कुछ राउंड्स तो होंगे और जितना मानवीय बनकर और जितनी तरह से बचकर भी, खुद को बचाकर भी आप जी सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, उतना मनुष्य बने रहिए। और ये COVID-19 के बाद शायद पहली दफे ऐसा हो रहा है जीवन में कि जब किसी बीमार होने वाले आदमी को, किसी मरीज को लोग एक क्रिमिनल की तरह देख रहे हैं, है ना, कि इसको ये हो गया है इसको, तो उसकी जो एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है ऐसी कि आप किसी रोगी को किसी अपराधी के बराबर इक्वेट कर रहे हैं, तो शायद ये बड़ी खतरनाक बात है। मुझे याद है कि मैं इंडिया में थी तो मैं बहुत बार अपनी माँ को कहती थी कि कोई बीमार है, किसी को जुखाम है तो मत जाओ देखने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा ये रिवाज हुआ है कि आप बीमार हैं तो आपको देखने के लिए 10 लोग आते हैं, फल सब्जी लेकर आते हैं, आपके पास बैठते हैं, और शायद एक बहुत बड़ा मानसिक संबल होता है वो। तो वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कोविड का बीमार है तो लोग जाके उसके पास घंटों बैठे रहें, ऐसा ना करें, लेकिन फ़ोन से बातचीत हो सकती है, आप फेस टाइम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो जी. अपनी उस सद्भावनाओं को दूसरी तरह से बनाए रखें। परिवार को किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसको देने से हिचके नहीं, और अपने मन में एक खास तरह की दुश्मनी का भाव न लाए कोई बीमार हो जाए तो, क्योंकि इन दिनों मेरी जितनी भी लिमिटेड लोगों से बातचीत होती है या सोशल मीडिया पे जो पता चलता है उसमें लगता है कि लोग बहुत एलिनेट हो गए हैं एक दूसरे से। न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए सुषमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हमारा संवाद ये बीच बीच में चलता रहेगा। बिल्कुल, एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।